तो गाइस तुम लोगों को तो पता ही होगा आजकल मौसम चल रहा है थोड़ा सा स्केरी सा, थोड़ा सा स्पोकी सा, और मौसम चल रहा था आई डोंट नो। हाँ, तो वो स्पोकीनेस को भी मेरे वर्ल्ड के अंदर लाने के लिए आज मैं बिल्ड करने वाला हूँ एक स्केरी कार्वड पम्पकिन। एंड हाँ गाइस, मुझे पता है ये पम्पकिन एकदम ही स्केरी नहीं लग रहा, बट समझो ये स्केरी है। तो गाइस बहुत टाइम पास कर लिया, बट अब तुम लोग बताओ, तुम लोग क्या अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब किए हो? नहीं। तो गाइस अभी भी क्या कर रहे हो यार, जल्दी से जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तुम लोग ही देखो मेरे चैनल 300 सब्सक्राइबर्स के बहुत ज्यादा क्लोज है। तो तुम लोग क्या कर रहे हो यार, जल्दी से जाओ एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड इस वीडियो को भी लाइक कर दो। सो लेट्स जंप इनटू द वीडियो। एंड उससे पहले एक और चीज़ गाइस, तुम लोगों को तो पता ही होगा कि मैंने मेरा प्रोफाइल पिक्चर यूट्यूब का एंड बैनर को चेंज कर दिया। एंड ये देखो मेरा न्यू स्किन, ये आपसे मेरा न्यू स्किन है। एंड ऑब्वियसली कमेंट में बता देना कि ये स्किन कैसा दिख रहा है, एंड मैं इसका बैक पार्ट भी तुम लोगों को दिखा दे। तो गाइस ये देखो मेरा स्किन का बैक पार्ट, ये कितना ज़्यादा कूल दिख रहा है स्पेसिफिक इस क्रीपर के मुँह के लिए। एंड अब जल्दी से वीडियो की तरफ आगे बढ़ते हैं। सो हाँ गाइस, हर अगली वीडियो की तरह इस वीडियो के अंदर भी मेरे को चाहिए होगा बहुत ज़्यादा सामान। एंड इस वीडियो के अंदर मेरे को सबसे ज़्यादा जो चीज़ चाहिए वो है एकेसिया प्लैंक्स। एंड मैं बिल्कुल भी फार्म पे जाकर एकेसिया प्लैंक्स को कलेक्ट नहीं करने वाला, मैं ऐसे नेचुरली स्पॉन्ड ट्री को चॉप करूँगा। एंड यहाँ पर उतना ज़्यादा एकेसिया ट्री नहीं है, इसके लिए मेरे को एक न्यू एकेसिया बायोम को ढूंढना पड़ेगा। सो मैं जल्दी से एक एकेसिया बायोम को फाइंड करके तुम लोगों से मिलता हूँ। A few moments later. तो गाइस ढूंढते ढूंढते मैं बहुत दूर आ चुका हूँ। एंड ये देखो मेरे को एक जंगल टेम्पल मिल गया। एंड जल्दी से मैं इसको लूट करके देखता हूँ इसके अंदर क्या क्या मिलता है। तो मुझे जितना पता है यहाँ पे इस सीढ़ी के साइड में यहाँ पे एक चेस्ट होता है, यहाँ से इस ब्लॉक को ब्रेक। हाँ ये देखो यहाँ पे एक चेस्ट है। वाओ, इसके अंदर दो दो आर्मर ट्रिम्स है। अरे भाई यहाँ पे तो कचरा है, बट जो भी हो एक मिल तो गया। हाँ तो गाइस बहुत देर छानबीन के बाद भी मेरे को एक भी एकेसिया बायोम नहीं मिला। तो गाइस अब तो मेरे पास कोई रास्ता नहीं, अब तो मेरे को फार्म से ही कलेक्ट करना पड़ेगा। तो गाइस मैं जल्दी से घर को जाके तुम लोगों से मिलता हूँ। हाँ तो गाइस अब तो मैं कुछ नहीं कर सकता, अब तो मेरे को फार्म से ही कलेक्ट करना पड़ेगा। मैं बिल्कुल भी फार्म पे जाकर एकेसिया प्लैंक्स को कलेक्ट नहीं करने वाला, मैं पोपट हो गया गाइस मेरा। तो गाइस अब मैं जल्दी से सब आइटम्स को कलेक्ट करके तुम लोगों से मिलता हूँ। तो गाइज मैं सब सामान कलेक्ट कर चुका हूँ। एंड ये है यहाँ पर एक फ्लैट एरिया है। गाइज मैं इस पम्पकिन को यहाँ पर ही बिल्ड करने वाला हूँ। एंड गाइज मैं फर्स्ट टाइम पे टाइम लैप्स को ट्राई किया है मेरे वीडियो के अंदर, एंड इस वीडियो में वो बिल्ड तुम लोगों को टाइम लैप्स के अंदर दिखने वाला है। सो लेट्स एंजॉय द टाइम लैप्स। Thank you.
सो गाइस फाइनली मेरा बिल्ड कंप्लीट हो चुका है। तुम लोग देख ही सकते हो ये कितना ज़्यादा अमेजिंग लग रहा है। एंड होप गाइस तुम लोग टाइम लैप्स को इन्जॉय किए होगे। एंड मैं अब सोच रहा हूँ कि इस पे थोड़ा सा और ज़्यादा डिटेलिंग ऐड करूँ, जिससे ये और थोड़ा सा ज़्यादा स्पूकी लगेगा। सो गाइस मैं जल्दी से सब डिटेलिंग को ऐड करके तुम लोगों से मिलता हूँ। सो गाइस फाइनली मैं सब डिटेलिंग को कंप्लीट कर चुका हूँ। एंड इसके लिए मैंने क्रिएटिव का थोड़ा हेल्प लिया था, वरना उतना ज़्यादा सामान मेरे पास नहीं था। एंड मैंने ट्राई किया है कि एकदम एंड में एकदम मस्त एक रिजल्ट आए। सो इसलिए मैंने थोड़ा सा क्रिएटिव का हेल्प लिया। एंड वो सच्ची में बहुत ज़्यादा अमेजिंग दिख रहा है। एंड वो बिल्ड एकदम टोटली कंप्लीट हो चुका है। एंड उसके अंदर मैंने ट्राई किया है थोड़ा सा स्पूकी सा वाइब देने के लिए। एंड सो गाइस चलो तुम लोगों को मैं दिखा देता हूँ वो अब कैसा लग रहा है। तो गाइस ये देखो, ये थोड़ा सा ऐसा दिख रहा है। एंड इसके अंदर मैंने बहुत कुछ दिया है, जैसे कि तुम लोग देख सकते हो ये कॉबवेब दिया है एंड कोर स्टर्ट एंड ये पॉडजॉल देन मॉसी कॉबलस्टोन एंड ये बहुत ज़्यादा चीज़ मैंने दिया है। एंड यहाँ पर मैंने एक क्रॉस का साइन बनाया है, जिससे ये थोड़ा सा स्पूकी लगे। हाँ मेरे को पता है ये तो सब स्पूकी नहीं लग रहा, बट स्टिल ऐसा प्रिटेंड करो कि ये चीज़ बहुत स्पूकी है। हाँ तो गाइस तुम लोग कमेंट में बताना ये बिल्ड तुम लोग को कैसा लगा। मेरे को तो बहुत ज़्यादा पसंद है। एंड तुम लोग कमेंट में भी बताना। एंड ये थोड़ा सा स्पोकी सा भी लुक दे रहा है। एंड इस वीडियो के अंदर मैंने फर्स्ट टाइम टाइम लैप्स को ट्राई किया है। तुम लोग बताना उस टाइम लैप्स कैसा लगा तुम लोगों को। एंड अगर तुम लोग ऐसा टाइम लैप्स देखना चाहते हो तो प्लीज़ मेरे को वो भी कमेंट में बताना, मतलब एकदम कमेंट को भर देना। हाँ तो ये था आज के मेरा वीडियो। होप करता हूँ तुम सब लोगों को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना एंड मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना ऐसे मस्त मस्त कॉन्टेंट के लिए। मैं मिलूंगा तुम लोग से मेरा नेक्स्ट वाला वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एवरीवन।